कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव मैपिंग के ऊपर, जो कि बेस्ड है बिल्कुल वही आइडिया। पहले अपन इस टाइप के प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर आने वाली वीडियोस में अपन गेट एग्जाम के भी क्वेश्चन लगाएंगे। अपना आइडिया जो है कैश मेमोरी से रिलेटेड, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा इनके क्वेश्चन में, आप कैसे भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस यहां पे फिर से टेबुलर फॉर्मेट में मैं किया हूं, डेटा को लिखा हूं और आपको यहां पे गिवन पैरामीटर कुछ दिया है और कुछ आपको पैरामीटर निकालने, ठीक है, वही आइडिया है, वही चीजें हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करा दूं, यही सारी चीजें थी एसोसिएटिव मैपिंग में, अपने ये याद रखना है। कैश मेमोरी दो ही पार्ट में डिवाइडेड है, एक है टैग, एक है वर्ड ऑफसेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई मैपिंग फंक्शन का यूज नहीं करते हैं, कहीं भी प्लेस कर सकते हैं ब्लॉक को, पता है अपने को। कैश मेमोरी फुल होगा तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को यूज करते हैं, ठीक है, मैं आगे वाली वीडियोस में रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बारे में बताऊंगा आपको। नंबर ऑफ कंपैरेटर लगेगा, कितना लगेगा भैया, जितना नंबर ऑफ टैग होगा, कितना नंबर ऑफ टैग होगा, जितनी नंबर ऑफ कैश लाइन होंगी, तो सीधा अपने को जितनी भी कैश लाइन होंगी उतना होगा नंबर ऑफ कंपैरेटर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो अपने को पता है मेन मेमोरी ब्लॉक कैसे निकालते हैं, मेन मेमोरी का साइज अपॉन ब्लॉक साइज, ठीक है, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। अब चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, ये मेन मेमोरी का साइज दिया है, इसका मतलब सीधा अपन क्या बता सकते हैं, फिजिकल एड्रेस बता सकते हैं। इसका 2 का पावर कन्वर्ट कर लो, जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, फिजिकल एड्रेस हो जाएगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसके बाद कैश साइज दिया है और यहां पे ब्लॉक साइज दिया है, तो कैश साइज दिया है, ब्लॉक साइज दिया, अपन नंबर ऑफ कैश लाइंस निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ कैश लाइन अगर अपन निकाल लिए तो अपन सीधा क्या निकाल सकते हैं, टैग का बिट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और चीज यहां पे आपको नोट करना है, जो कि मैं अभी आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। तो सीधा अपन सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके का दिया है अपने को, मेन मेमोरी का साइज दिया, ठीक है, मेन मेमोरी का साइज दिया, 2 का पावर कन्वर्ट कर लिए, ये अपने को मिल गया फिजिकल एड्रेस, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिजिकल एड्रेस 17 बिट का है, बहुत बढ़िया। ब्लॉक का साइज देके रखा है भैया 256 बाइट, ठीक है, तो इसको भी 2 का पावर कन्वर्ट कर लिए, तो ये मेरे को वर्ड ऑफसेट दे देगा, बिल्कुल दे देगा भैया 8 बिट का, ठीक है। तो टैग कैसे निकालें, 17 में से 8 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 9 बिट्स हो जाएगा टैग, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पिछले वीडियो में अपन टैग बिट कैसे निकाल लिए थे, एक शॉर्टकट आपको बताया था कि मेन मेमोरी का साइज डिवाइड कर दो कैश मेमोरी के साइज से, तो आपको क्या मिल जाएगा, टैग बिट मिल जाएगा। तो अगर आप यहां पे वो चीज कोशिश करोगे ना निकालने का, देखो 128 KB / 16 KB, तो जैसा आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था, टैग को आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, मेन मेमोरी का साइज अपॉन कैश मेमोरी का साइज। तो अगर आप यहां पे लगाने जाओगे ना, तो यहां पे आपको गड़बड़ मिलेगा, ठीक है। क्यों गड़बड़ मिलेगा, क्योंकि भैया यहां पे कैश मेमोरी में आप खुद ही सोच के देखो, यहां पे कैश मेमोरी में हम लोग कैसे डिवाइड किए, डिविजन कैसे किए, एक हम लोग टैग से और दूसरा वर्ड का ऑफसेट से। तो यहां पे क्या कैश लाइन के बारे में बात, कैश के मेमोरी के बारे में बात करेंगे यहां पे, भैया कर ही नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये नहीं मैं बोल सकता कि कितने हमारे ब्लॉक मैप है, कितने हमारे कैश लाइन के साथ, यहां पे मैं एकदम एग्जैक्ट रेशियो नहीं बता सकता, इसीलिए हम लोग यहां पे ये वाला अप्रोच यूज नहीं कर सकते और आपको ये यूज नहीं करना है, ठीक है। कैसे निकालोगे भैया, यही चीज अपने को, ये बिट्स निकालना है, बिट्स अपन ऐसे प्लस माइनस करके निकालेंगे, आप आइडिया समझ रहे हो, ठीक है। यहां पे कई लोग गलती कर देते हो, कई लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इसलिए मैं बता दिया। फिर नंबर ऑफ कैश लाइन में यहां पे निकालो, नंबर ऑफ कैश लाइन क्या होगा, कैश मेमोरी का साइज अपॉन ब्लॉक साइज, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैश मेमोरी का साइज दिया था, ब्लॉक साइज दिया है, ठीक है, अपने को कैलकुलेशन आता है, कैलकुलेशन के ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ कैश लाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जितने नंबर ऑफ कैश लाइन होंगे उतने ही नंबर ऑफ तो कंपैरेटर लगेंगे हम लोग को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 की पावर 6, मतलब 64 कंपैरेटर लग रहे हैं, काफी ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, काफी ज्यादा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, टैग डायरेक्टरी का साइज कैसे निकाल सकते हैं, तो जितने कैश लाइन है और जितना टैग खा रहा है हम लोग का, एक टैग हम लोग का खा रहा है 9 बिट, तो जितने कैश लाइन है उससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, भाई पता है अपने को, बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियोज को फॉलो करते हो आ रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपको खुद से ही बन जा रही होंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल वही अप्रोच का क्वेश्चन है, बिल्कुल वही चीजें निकालने, कुछ भी अलग नहीं है, तो फिर से वही काम करते हैं भाई। तो फिर से मेन मेमोरी का साइज आपको देखे रखा है 32 GB, ठीक है, तो यहां पर से अपन 2 की पावर कन्वर्ट कर लिए, मतलब कि 35 क्या हो गया हम लोग का, ये फिजिकल एड्रेस हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये यहां पे मैं फिर से सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं फिर से कैसे गलत आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो टैग अपन अगर ऐसे निकालने जाएंगे तो ये गलत आएगा, ठीक है, क्यों गलत आएगा अभी अपन देख लेते हैं। तो इसको मैं एक पेज लेता हूं, यहां पे अपन फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये गलत है ना अपना, इस तरीके से टैग नहीं निकालना है, जरूरी नहीं है कि सही है, ठीक है, ये यहां पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब अपन फिर से निकाल के देखते हैं, देखो मेन मेमोरी का साइज अपने को दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ये भैया मेरा 35 बिट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये अपना डिवाइडेड है टैग में और वर्ड ऑफसेट में, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर अपने को क्या-क्या दिया है, अपन यहां पे ब्लॉक का साइज देके रखा है, कितना देके रखा है, 1 KB देके रखा है, ठीक है। तो ब्लॉक का साइज अगर 1 KB है तो 2 के पावर में कन्वर्ट करूंगा तो 2 की पावर 10 भी हो जाएगा, इसका मतलब वर्ड ऑफसेट कितना हो गया भैया, इसका पावर ले लो तो क्या हो जाएगा, 10 बिट का हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 10 बिट, ठीक है। अब
आपको आइडिया समझ में आया तो टैग कितना हो जाएगा मेरा, 35 में से माइनस कर दो भाई, 35 में से 10 को माइनस किए तो क्या आ गया मेरा, आ गया 25 बिट्स। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, यहां पे क्या आ रहा था, 20 बिट आ रहा, तो इसका मतलब क्या, ये क्या है, बकवास है, गड़बड़ है, ऐसा आपको नहीं सॉल्व करना है। देखो यहां पे मैं सॉल्व करके बताया हूं, यहां पे पूरा का पूरा आंसर आपका एक एक इतने से के लिए पूरा गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल, ये वन ऑफ द मेजर डाउट है, काफी लोग को होता है, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी आपको दिखाऊं, सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ आएगा आपका, तो ये चीज अपने को गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, ये 25 बिट हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद फिर टैग डायरेक्टर का साइज कैसे निकालेंगे भैया, सबसे पहले नंबर ऑफ कैश लाइन निकाल लो, नंबर ऑफ कैश लाइन कैसे निकालेंगे, जितना भी कैश का साइज है, कैश का साइज आपको देखे रखा है भैया 32 KB, ठीक है, 32 KB अपॉन ब्लॉक का साइज भैया देखे रखा है 1 KB, ठीक है, 32 कैश लाइन आ गए, तो इतने ही कंपेरेटर्स भी लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर टैग डायरेक्टरी का साइज क्या हो जाएगा, डायरेक्टरी साइज इज जितनी भी कैश लाइंस है इनटू एक टैग कितना खा रहा है, 25 बिट खा रहा है, तो ये आ जाएगा कैश डायरेक्टरी का साइज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेन मेमोरी का साइज नहीं दिया है, कैश साइज नहीं दिया है, ब्लॉक का साइज दिया है, टैग साइज दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे फिर से मैं यहां पे बना लेता हूं, तो मेन मेमोरी का साइज नहीं दिया है, ये इस तरीके से टैग आपको देके रखा है, ये टैग है अपने पास 17, ठीक है, ये 17 देके रखा है, ब्लॉक का साइज आपको देके रखा है कितना है, 1 KB, ये ब्लॉक का साइज है, अगर 1 KB तो मेरा वर्ड ऑफसेट कितना हो जाएगा भैया, 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो, 2 की पावर 10, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप बता सकते हो ये पूरा कितना होगा, ये भैया होगा 27। तो आप बताइए मेन मेमोरी का साइज कितना होगा भैया, उल्टा काम करना है बस, 2 की पावर 27। आप रिलेट कर पा रहे होगे, आप फॉलो कर पा रहे होगे, चीजों को समझ पा रहे होगे। ठीक है, आइडिया क्लियर है तो बिल्कुल आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये अपन मेन मेमोरी का साइज निकालिए, 2 की पावर 27 लिख दो, या फिर MB वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर देते हैं चलो MB में कन्वर्ट। तो 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 इज 128, और बाकी का MB लिख देते हैं, MB ये भी लिख सकते हो, चाहे ये लिख दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां पे मेमोरी में, हमारे कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी अपना डिवाइडेड होता है टैग में और दूसरा वर्ड ऑफसेट में, तो यहां पे कहीं कैश लाइन के बारे में बात करता है क्या, नहीं करता, तो क्या मैं कभी यहां पे कैश मेमोरी का साइज निकाल पाऊंगा क्या भाई, नहीं निकाल पाऊंगा, ये मैं गेस नहीं कर सकता। और अगर मैं ये नहीं गेस कर पाऊंगा तो मैं ये भी नहीं बता पाऊंगा कि कितने कंपैरेटर लगेगा, और अगर मैं ये नहीं बता पाऊंगा तो मैं टैग डायरेक्टरी का साइज भी नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल वैसे ही अगला वाले क्वेश्चन में देखो, यहां पे मेन मेमोरी का साइज देके रखा है, अपन सबसे पहले टैग तो निकाल लेंगे, यहां पर से अपन टैग निकाल लेंगे क्योंकि ब्लॉक साइज दिया है। कैसे निकालेंगे, मेन मेमोरी का साइज दिया है, सीधा इसको क्या करो, 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो 16 GB को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 × 2 की पावर 30, मतलब 2 की पावर 34, इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा, 34 बिट का हो गया। अगर ये पूरा 34 बिट का है, ब्लॉक साइज आपको देके रखा है 4 KB, 4 KB का मतलब क्या, 4 KB 2 की पावर कन्वर्ट करो, 2 की पावर 2 × 2 की पावर 10, मतलब कि 12, तो ये हो जाएगा वर्ड ऑफसेट मेरा कितना हो गया, 12 बिट का। यहाँ पे टैग कितना हो जाएगा, टैग ऑब्वियसली 34 में से 12 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो ये तो मैं यहाँ पे निकाल लिया, ये मैं निकाल लूंगा, लेकिन क्या मैं फिर से ये निकाल पाऊंगा क्या भाई, नहीं निकाल पाऊंगा, ये मेरे को दिया होना चाहिए, तो ये अगर मैं नहीं निकाल पाऊंगा तो ना मैं कंपेरेटर बता पाऊंगा और ना ही टैग डायरेक्टर का साइज बता पाऊंगा। अब बिल्कुल वैसे फिर से वही काम, अब इस बार ये आपको देके रखा है, ये आपको देके रखा है, इससे आप ब्लॉक साइज तो जरूर निकाल लोगे, लेकिन ये नहीं निकाल पाओगे और ये भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, आपको आइडिया समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत बढ़िया। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में ये आप निकाल लेना खुद से, ठीक है। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, कैश मेमोरी का साइज देके रखा है, तो आपसे पूछा है, अब खुद ही सोच के देखो, कैश मेमोरी का साइज दिया है तो ठीक है, अपन क्या टैग डायरेक्टरी का साइज निकाल सकते हैं क्या, कैश मेमोरी का साइज दिया है, ब्लॉक साइज नहीं दिया है, तो मैं नंबर ऑफ कैश लाइन कैसे निकालूंगा, अगर मैं यही नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं ये भी नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आया। और अगर यहां पे टैग बिट देके भी रखा है, ये टैग बिट अगर आपको देके रखा है, ये 7 अगर मेरा टैग बिट हो भी गया, तो यहां पे ब्लॉक साइज अपने को चाहिए, ब्लॉक साइज भी नहीं देके रखा है, तो क्या आप फिजिकल एड्रेस निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, तो मेन मेमोरी का एड्रेस निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे ये चीज हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हम लोग निकाल पाएंगे और क्या नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आपका कांसेप्ट क्लियर है तो आपसे जरूर ये समझ में आ जाएगा, अपने लॉजिक से ही आप समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। यहां पे हम लोग जानते हैं कि आखिर डायरेक्ट और एसोसिएटिव में आखिर दिक्कत क्या है, ठीक है, और अपने को आगे क्या यूज करना होगा। तो देखिए, डायरेक्ट में क्या दिक्कत था, डायरेक्ट में यही दिक्कत था कि मैपिंग फंक्शन को यूज कर रहे थे, और अगर B0 B4 B8 इस के ब्लॉक्स आ रहे हैं तो एक ही डब्बे को खाए जा रहे हैं, बाकी को यूज ही नहीं करें। एसोसिएटिव में क्या दिक्कत है भैया, खोजना ही मुश्किल हो जा रहा है, और अगर खोजना अगर थोड़ा आसान किए तो उसके कंपैरिजन में बहुत सारे कंपैरेटर लगाने पड़ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपैरेटर अगर लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया। अब कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया तो इसी को मिनिमाइज करने के लिए अपन यहां पे क्या किए, हम लोग क्या किए इस बार, ये जो कैश मेमोरी है मेरा, ये जो मेरा कैश मेमोरी है,
अपन दोनों कंसेप्ट यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से और फर्दर डिवीजन कर देंगे, ठीक है। ये और फर्दर डिवीजन कर दिया और इसको बोल दिए ये मेरा सेट है, ठीक है। सेट है ये, दूसरा सेट, ये सेट जीरो, ये सेट वन, ये सेट टू, ठीक है, और ये सेट थ्री, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आया एसोसिएटिव के केस में क्या हो रहा था, क्योंकि ये डिवीजन नहीं था तो कौन सा ब्लॉक कहाँ है उसको मेरे को खोजने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मेरे को खोजने में टाइम लग रहा था, और अगर खोजने के लिए जाए तो कंपैरेटर बहुत सारे लगाना पड़ जा रहा था। तो अपन एक काम किए, इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिए, जैसे अपने स्टेट्स डिवाइडेड होते हैं, जैसे अपन को इंडिया में अगर कोई खोजने जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वही अगर मैं बोल दूं कि स्टेट में खोजने जाओ तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, वही अगर मैं बोल दूं कि रायपुर में ढूंढने जाओ, जैसे कोई एक और फर्दर डिस्ट्रिक्ट में खोजने जाओ तो और ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वही कंसेप्ट को यहां पे यूज किए, इसका और फर्दर डिवीजन कर दिए हैं, जिसको अपन सेट नाम दे दिए। तो अब इस सेट में अपन जाएंगे ढूंढने तो थोड़ा आसान होगा, और साथ ही साथ इस एक सेट में ढूंढना आसान है तो इस एक सेट के लिए सिर्फ एक कंपैरेटर लगेगा, इस एक सेट के लिए सिर्फ एक कंपैरेटर लगेगा, इस एक सेट के लिए एक ही कंपैरेटर लगेगा, इस एक सेट के लिए एक ही कंपैरेटर लगेगा। आपको आइडिया समझ में आया, और ये सारे सेट इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपन, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे तीन डब्बे, यहाँ पे चार डिब्बे, यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा इस तरीके से हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अगर चार तो हम लोग के कैश लाइन है तो यहाँ पे भी चार कैश लाइन होगा। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग आने वाले वीडियोस में सेट एसोसिएटिव कैश पढ़ेंगे, जहाँ पे डायरेक्ट और एसोसिएटिव दोनों का यूज किया जाता है, वहां पे मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आइडिया बता रहा था कि आखिर हम बन क्यों यूज करेंगे और क्या इसका आइडिया है, ठीक है, क्या इसका कंसेप्ट है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।